गुड आफ्टरनून, मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा तिवारी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट ओएसएस फर्टिलिटी रायपुर से। सो लेट्स टॉक अबाउट प्री प्रेगनेंसी केयर यानी या फिर प्री कंसेप्शन केयर। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हो पर उसकी तैयारी आप पहले से ही शुरू कर देते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो तो आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इसमें पहला पॉइंट आएगा ऑप्टिमल वेट का, जो आप वेल गाइडेड एक्सरसाइज और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के साथ अटेन कर सकते हो। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी आदतों से दूर रहना। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे केसेस में आप एक प्रेगनेंसी के लिए फिटनेस लेकर और जो मेडिकेशंस है प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशंस की तरफ जाकर ऑप्टिमल डोज पे अगर आ जाए तो बेटर होगा। साथ ही कुछ वैक्सीन्स जैसे टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और रूबेला, अगर इन कंडीशंस के लिए आप इम्यून रहे तो आपकी प्रेगनेंसी बेटर होती है। कुछ विटामिंस जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स है, इनके इन सप्लीमेंट्स से भी आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। साथ ही अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी और डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहा हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी है, तो उसके लिए एक असेसमेंट करा लेना बेटर रहता है। अगर फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ है या फिर पहले बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी की प्लानिंग के पहले भी इसका असेसमेंट करना और जेनेटिक एक्सपर्ट से मिलना बेटर रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो दो प्रेगनेंसी के बीच में एक ऑप्टिमल ड्यूरेशन ज़रूरी होती है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।